हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हेप्टासिटी के बारे में। ठीक है, हेप्टासिटी क्या होता है और इसके एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेप्टासिटी। तो हेप्टासिटी ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम टू ए लिगेंड अटैच टू द मेटल। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ डोनर एटम लिगेंड से क्या है, जो लिगेंड के होते हैं, जो मेटल से अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेप्टासिटी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हेप्टासिटी। ठीक है, हेप्टासिटी टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड लिगेंड अटैच्ड इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड, लिगेंड के जितने डोनर एटम है वो मेटल से अगर अटैच्ड है तो हम इसको बोलते हैं हेप्टासिटी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हम यहाँ मानते हैं आपका ये, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका ये CH3 है और ये क्या है, मेटल से अटैच्ड है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे हेप्टासिटी इसकी क्या है, 1। इसको बोलेंगे हेप्टासिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, हेप्टासिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको पता है हेप्टासिटी को हम क्या करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, ईटा की पावर एक्स। एक्स जो होता है जितने नंबर ऑफ डोनर एटम जो है लिगेंड से अटैच्ड है उसको लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हेप्टासिटी इसकी 1 है, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसका मतलब ईटा 1, इसलिए ईटा की पावर 1 हो जाएगा, हेप्टासिटी इसकी क्या हो गई, 1। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ सी है, ये क्या है, मेटल से मान लेते हैं अटैच है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं दो मेटल लगा देते हैं। ठीक है, दो मेटल लगा दिए और यहाँ क्या हो गया, तरीके का लिगेंड, एक कार्बन से दो मेटल अटैच है, फिर भी इसकी क्या हो जाएगी, हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आपका ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, ये मेटल से क्या अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दो डोनर एटम क्या है, दो, एक इधर से और एक इधर से, जैसे इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा ना। ठीक है, जैसे एक इसके और ये ऑर्बिटल और इसके एक ऑर्बिटल ना, ये आपस में दोनों इस तरीके से होंगे, तो दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे तो इसकी हेप्टासिटी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ देखो तो इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो ये 5 कार्बन से होगा टोटल, इसका हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ पे फॉर्मेसी, इसका मतलब वल्ली 1 कार्बन से ही अटैच हुई है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसकी हेप्टासिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी यही अगर हम लिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको बी से ही कनेक्ट कराते हैं तो ये पाई बार से होते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे इसकी हेप्टासिटी है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे इसको बोलेंगे ये तो बी से तो अटैच नहीं है, ये तो पाई बार से बनेगी, तो हम यहाँ बोलेंगे इसकी हेप्टासिटी क्या है, 2। ठीक है, ये 2 कार्बन से अटैच होगा फिर से, ठीक है, इसकी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल करते हैं, चलिए और देख लेते एग्जाम्पल इसका। देखिए जैसे ही अब यहाँ की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसकी हेप्टासिटी 2 हो गई और यहाँ पे एक कार्बन, तो इसका मतलब टोटल हेप्टासिटी इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन से अटैच, यहाँ पे एक और इसका ये, इसकी भी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो इसका मतलब हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर वल्ली कॉर्नर से अटैच रहता 1 कार्बन से, तो हम बोलते हैं हेप्टासिटी इसकी क्या है, वल्ली 1 है। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें हम, यहाँ से अगर बी से होता तो इसकी बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से पूरा इसको काउंट होगा, ये कार्बन भी, ये कार्बन, ये कार्बन, इसका मतलब इसकी हेप्टासिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे देखिए कॉर्नर से है, इसका मतलब ये एक कार्बन ये हो गया और एक ये, इसका मतलब इसकी हेप्टासिटी 2 हो जाएगी। अगर ये बीच से आता तो दोनों कार्बन इन्वॉल्व होते, तो ये कॉर्नर से हम इसका एक कार्बन ये काउंट करेंगे और एक ये, तो इसकी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब हेप्टासिटी को कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं।